अनहोनी कर देता है और अनहोनी होनी में जाति बदल। सर्वव्यापी है वह, घट घट वासी भी है, फैसला उसका रहता है सदियों अटल। बिना ईश्वर की मर्जी के संसार में पेड़ का एक पत्ता भी हिलता नहीं। मालिक जो चाहता है वही होता है, बिना उसके चमन कोई खिलता नहीं। मैक्स कैसेट से आप एक महाभारत से गीत सुनने जा रहे हैं। गाने का शीर्षक है सुई के छेदा में हाथी। ईश्वर चाहे जो कुछ भी करे वो सर्वव्यापी है, घटघटवासी है। संभव को असंभव, असंभव को संभव कर देना ईश्वर का ही काम है। यही बात इस गीत में आपको मैक्स कैसेट से मिल रही है। कहना है मालिक जो कहता है वो करो, मालिक जो कहता है वो करो, ईश्वर पे सदा विश्वास करो। मालिक जो कहता है वो करो, मालिक जो कहता है वो करो, ईश्वर पे सदा विश्वास करो। मालिक जो कहता है वो करो, मालिक जो कहता हरी कान कभी उपहास करो। हस्तिनापुर में श्री कृष्ण एक दिन आए, युधिष्ठिर आदि भाई, युधिष्ठिर आदि भाइयों के मन भी हर्षाए। आगमन कृष्ण जी का सबके मन को भाया है, कृष्ण ने अर्जुन को हंसकर गले लगाया है। रात जब हो गई आराम का समय आया, धनंजय बोले प्रभु आपकी भी क्या माया। अर्जुन जी कृष्ण जी से कह रहे हैं कि प्रभु आपकी माया का कोई अंत नहीं है। कहा अर्जुन आज हम आ रहे थे तो रास्ते में एक विचित्र चीज देखी। कहें क्या चीज देखें? कृष्ण हंस कर कहें अर्जुन ही मेरा साथी है, सुई के छेद में फंस कर तड़पता हाथी है। सुई के छेद में? अरे भगवान, सुई के इतना बारीक सुराख होते है, उसमें हाथी कैसे फंस सकता है? ये ऐसा नहीं हो सकता। कहे ऐसा हुआ है अर्जुन, हम अपनी आंखों से देख कर आए हैं। अर्जुन कहते हैं जो जैसा करता है उसका वो मजा चखता है, जो जैसा करता है उसका वो मजा चखता है, सुई के छेद में हाथी नहीं घुस सकता है। ना बताऊंगा सवेरा होने दो तुमको चलो दिखाऊंगा, सवेरा होने दो चलो दिखाऊंगा, सवेरा होने दो तुमको चलो दिखाऊंगा, सवेरा होने दो तुमको चलो दिखाऊंगा। अरे भाई सवेरा हो जा जा अर्जुन, और हम तो के चल के दिखाए कि सुई के छेदा में हाथी कैसे फंसा है। अर्जुन हंसने लगे और क्या कहते हैं,
सुई के छेद में हाथ कभी है सखा नहीं जा सकता है। अर्जुन मेरी बात पर गौर करो, अर्जुन मेरी बात पर गौर करो, अपना ना सत्यानाश करो। अर्जुन मेरी बात पर गौर करो, अर्जुन मेरी बात पर गौर करो, अपना ना सत्यानाश करो, अर्जुन मेरी बात पर गौर करो। अर्जुन जी और कृष्ण जी बाद ही बात करते करते इसी बीच में सो गए। सवेरा हुआ, नित क्रिया से फुर्सत हुए। मुरली मनोहर बोले कि अर्जुन तुम्हें देखना है कि सुई की छेदा में हाथी कैसे फसल हो। कहे हाँ, कहे चलिए मेरे साथ। लिवा के सवेरे सवेरे चल दिए। आए रास्ते में क्या कहते हैं अर्जुन, थोड़ा स्नान ध्यान हो जाए और सागर है इसमें नहा लो, शुद्ध हो जाओ, फिर हम उस रास्ते में चलते हैं जहाँ हाथी सुई की छेदा में फंसा हुआ है। कहे ठीक है, अगर आप कहते हैं तो स्नान कर लेते हैं। अर्जुन जी से क्या कहते हैं बाबू जी, तर्ज है। अरे लड़ाई ला, अरे लड़ाई ला अखिया हे लौंडे राजा। तर्ज का ओरिजिनल बोल है लेकिन कवि का कहना है नहाला, हाँ नहाला सबेरा वाहे अर्जुन में सवा। जब कमर तक पानी में गए तो भगवान के और आगे जा जा, और आगे चल जा अर्जुन। अर्जुन सीना तक पानी में पहुंचे, गर्दन तक पानी में पहुंचे, कहा डुबकी लगा ला। और डुबकी जब लगा लिए बाबूजी तो भगवान अपनी माया फेर दिए कि अर्जुन सुई के छेदा में हाथी कैसे जा था अब तू देखा देखा। और बाबूजी अर्जुन जी का काया पलट हो गए। कैसे कभी को तेजी के भाव देना पड़ा मास्टर। अकेली घूमई सागर तिरवा, पानी में अर्जुन बन गए ले नान बेली। अकेली घूम सागर तिरवा, पानी में माया भगवान की बन गई ले नारी। पानी में
पानी में व्याकुल भय अर्जुन भैल दुखारी पानी में, पानी में है खड़े धनंजय तब धनुधारी पानी में, पानी में फिर बरस रहा है भय सुकुमारी पानी में। अर्जुन जी का सारा मशीन गड़बड़ा गए, बाबूजी मर्द से नारी हो गए, औरत बन गए, भगवान की माया हो गई। और जब बाहर निकलते हैं तो क्या देखते हैं कि गोरे गोरे गाल लाल होठवा पे सुरखी छाई। हाय हाय हाय, अरे माया कई के श्री कृष्ण जी वहां से चले पर आई हो अकेली घूम सागर तीरवा। अरे सज के अर्जुन सोच संगवा ना सहेली अकेली घूम सागर तीरवा। देखें अर्जुन का भाव, देखें अर्जुन औरत बन के एकदम 16 बरस का सुकुमारी बन गए, घूम रहे कैसे। गोरे गोरे तनवा में बेधाय मदनवा, अरे तनवा पे सोरहौ सिंगार, हाय दैया हाय दैया कजरा भइले बा कटा। निकुरामा झुलनी औ हाथ मा कंगनवा, अचरा उड़े महक मुड़वा क गजरा, अरे छतिया पे उमड़ल अनार, हाय दैया कजरा भइले बा कटार। हाय दैया देख के अर्जुन रोवन लागे, अर्जुन रोवन लागे भैली ससतिया, अरे बाहर कन्हैया की है साथे घतिया, अरे कन्हैया की है साथे घतिया, बाहर कन्हैया की है साथे घतिया। मर्दा से कई दिहला नारी के तनवा, माया रच दी और रच दी क्या, एक सुंदर नगर बस गया। अर्जुन घूम रहे हैं, एक राजकुमार डोली में बैठकर आता है, हाथ में गुलाब का गजरा लेकर आ रहा है, साथ में तमाम गाजा बाजा बज रहा है, तमाम बराती लोग आए हुए हैं। अब बाबूजी वो डोली से उतरता है और अर्जुन की तरफ बढ़ रहा है। अर्जुन जी डर रहे हैं, कैसे कहा थी बाबू जी एक पति ने बड़ा मास्टर, अरे थर थर कांपई अर्जुन जी का तनवा हो, ए थर थर कांपई अर्जुन जी का तनवा हो, पर नवा हमार नहीं निकते। डगमग हो गए डगमग 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 हो गए अर्जुन के चरणवा हो, पर नवा हमार नहीं कहते। अरे प्रयागराज चरणवा हो, पर नवा हमार नहीं कहते।
साथ बाजा बाजे बहुत बरतिया। हाँ हाँ भागे कतहू लागे नाच कनवा हो, भागे कतहू लागे नाच कनवा हो, पर नवा हमार नहीं कहते। अर्जुन जी के पास राजकुमार पहुंच गया। अर्जुन मारे डर के मारे साथ कांप रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। कहा रुक जा रुक जा रुक जा, रोज कहा राजकुमारी कहाँ मकान है, कहाँ घर है, केकर बिटिया हो। अर्जुन मारे शर्म के मारा कि भगवान हम मर्द से नारी बने का बताई, कैसे पूछ रहा है हमसे, एक मर्द मर्द से पूछ रहा है, मैं कितना बहादुर हूँ। लेकिन भगवान माया रच दिए हैं, कहे कि एक बात है सुना, कहे का कहे हम के अपन दुल्हवा बनायला गोरी, जवनिया का कुल जवनिया का कीमत चुकायला गोरी, तोहरे खातिर विधाता बनैलन हमें, तोहरे खातिर विधाता बनैलन हमें, तोहरे खातिर विधाता बनैलन हमें। चल महलिया में लाचार हो गए और क्या कहते हैं, कोनो बात न बाप तो मरता क्या न करता। वो है डाल हार गर्दन में अर्जुन खुशी से बोले बोली, डाल हार गर्दन में अर्जुन जी से बोले बोली, अरे तोहरा खातिर है महारानी लेके अइले डोली भोली भाली दुल्हन दुल्हा एली मेली तेली घूमे सागर तीरावा, अर्जुन जी को डोली पर बैठा के अर्जुन को डोली पर बैठा के और ले गए राजकुमार। जब तमाम हदी पदी लोग पहुंचे और उतार दिए डोली से, अर्जुन दुल्हिन बने हैं और देख रहे हैं, कहे कि भौजी हमार गल फुलनी, अरे भौजी हमार गल फुलनी, अरे हदी पदी दे लगली गाड़ी हो, भौजी हमार गल फुलनी, भौजी हमार गरब फुलनी, देख सब घुंघुटा उघारी हो, भौजी हमार गरब फुलनी। नाच नाच सब गावें सब खुशिया मनावे हो, भौजी हमार गरब फुलनी, अरे दुल्हन देखा ले पार अपारी हो, भौजी हमार गल फुलनी। तुई नौ जन का सुंदर जोड़ी, अरे बहा के बिन लगाम कई घोड़ी आई हो,
भौजी हमार गल फुलनी, अरे भौजी हमार गल फुलनी, भैया करी है घोड़ी पे सवारी हो, भौजी हमार गल फुलनी, अरे भैया करी है घोड़ी पे सवारी हो, भौजी हमार गल फुलनी, मजाक हंसी सब करते हैं। खाने पीने का सामान सब रखा है भौजी, खा ले। और का कहती तोहरी सूरत लखी के सब ही लो भाई गए, गाली देती तोहरी सूरत लखी के सब ही लोग लो भाई गए, लूटा जवनिया के चानी ए भौजी। पदी कहो बरमा गुदी गुदी कैली, सासुरमा देखा ढिठाई ए भौजी। भैया हमार भौजी तोह से न कम है, अंग अंग मछाइल जवानी ए भौजी। भैया हमार भौजी तोह से न कम है, अंग अंग मछाइल हथियारवा से होई है लड़ैया, मारे दाम चोरी चोरी ए भौजी। आज पता चली जाए जंगमा के करे मा के तनावा पानी ए भौजी। अर्जुन जी सोच रहे हैं कि हम मर्द से का हो गए ली, और खिला पिला के इनके कोबर से चितसारी में ले गए बाबूजी। और देखें आप सुने ध्यान ध्यान से, जहां दुल्हा से भेंट हो था आए हाय। अरे कोहबर खैलिन मीठा भाव सुनिए चितसारी की बात, रात की छूटल डीजल गड़िया टेसनिया नाम लिखे छूट गई गाड़ी डीजल। चला ड्राइवर गाड़ी पकड़ कर, अरे चला ड्राइवर लेकर गाड़ी पकड़ लिया रफ्तार, अरे पटरी पकड़ के चली ट्रेन है सीटी करे पुकार, इंजन छोड़े भूले झरिया टेसनिया ना मिले। बाबूजी अंत में एक्सीडेंट हो गया, बर्थ सीट सब टूटल, अंत में एक्सीडेंट हो गया, बर्थ सीट सब टूटल, अरे सारा धन घा गाड़ी का चोरवा बड़े प्रेम से लूटल, लागल दुइनौ के हथरिया टेसनिया ना मिले। बाबूजी आए दिन सुहागरात, आए दिन दुल्हा दुल्हन की मुलाकात, अर्जुन मर्द हो के नारी बन के बिल्कुल सारा काम हो रहा है बाबूजी। और इसी तरीके से दिन गुजरता गया बाबूजी, अर्जुन की लड़कियां कैसे पैदा होती, कैसे पैदा भाई आप जब देखें कि एगहन पूस माघ और फागुन बेटवा भये चैत बैसाख, और जेठ अषाढ़ सावन भादों भी जमा लिए तब अपनी राख, अब बेटवा भवा कुआर प्यार से अर्जुन का तब भैले, अर्जुन का तन भैले राख, बिटिया एक कार्तिक भैली अर्जुन को तब भैली माँ। बाबूजी क्या कहते हैं, 11 बेटवा भय अर्जुन के बिटिया एक हसीना, इबर हो संतान कहा मैं आज 12 महीना, अरे नवेली घूम सागर तिरवा, अरे मर्द से नारी हो के अर्जुन भी पता झेली, अकेली घूम सागर तिरवा, सागर।
का जो आज 12 महीने होते हैं, ये 11 तो बिटवा भय और एक बिटिया कार्ती बाबूजी पैदा भय। अर्जुन रो रहे हैं कि भगवान ने का कर दिया, भगवान सपन दिखा दे कि अर्जुन जहां तू स्नान कर रहा वहीं दौड़ के चलावा और नहा ल ठीक हो जाए। अर्जुन रात को भगे 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 और सागर में पहुंच कर स्नान करते हैं बाबूजी। स्नान किए जब तो सुंदर तन पा गए, सुंदर तन पा गए और देखें तो सामने कृष्ण जी मौजूद हैं। तो कृष्ण जी को देख कर अर्जुन कहते हैं कि भगवान आप कहे कि अर्जुन बड़ी देर तक स्नान करता रहा, अरे कहे सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया, अब का बताई प्रभु। और क्या कहते हैं अंतिम तज लगा था, कहे भगवान हम बड़ी दुर्गत हमार हो गए, कहे दुर्गत हो गए कहे हाँ। अरे कृष्ण बोले अर्जुन बतिया बताई कि नहीं, असुई के छेदा में हथिया समाई कि नहीं, अर्जुन मान गई ले सुना। अरे बाप रे भगवान, अरे का बताई कहन, कहे अर्जुन मान गई ले सुना, हमारे साथी असुई के छेदा में समाई गईली, अरे नर से नारी बन के बतिया बताई कि नहीं, सुई के छेदा में हथिया समाई कि नहीं, अर्जुन कहे प्रभु धन्य धन्य माया, अरे 12 लड़का भैले बदल गईली हमारी काया। अर्जुन कहा कहती भगवान कहे हाँ, कहे बोला अब गांडी हम उठाई कि नहीं, सुई के छेदा में हथिया समाई कि नहीं, सुई के छेदा में हथिया समाई कि नहीं, सुई के छेदा में हथिया समाई कि नहीं, समाई कि नहीं हो समाई कि नहीं राम समाई कि नहीं, सुई के छेदा में हथिया समाई कि नहीं, सुई के छेदा में हथिया समाई कि नहीं। अर्जुन बोले रे बाप रे, मर्द से नारी बन गए, 12 लड़का पैदा भय भगवान दुर्गत हो गए, सुई की छेदा में हाथी नहीं भगवान पहाड़ समाई गई, पहाड़ समझे मान गए बाबूजी। अंतिम शब्दों में कभी कहना पड़ा, क्ले क्ले कर अर्जुन को चले मनमोहन आ गई ले दरबार, अरे सुई के छेदा में हाथी बस गया राम धार, हैदर अली जोर से दिहलन यार ढकेली अकेली घूमे सागर तीरावा, अकेली घूमे सागर तीरावा।